नमस्कार, होम किचन में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो दाल बाटी आपने बहुत खाया हुआ है, लेकिन आज हम आपको एक नया तरीके से दाल बाटी बनाना दिखा रहे हैं। आइए, इसमें क्या क्या लगेगा हम आपको दिखाते हैं। हमने इसी कप से 1 कप आटा, 1 कप बेसन और आधा कप सूजी लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, या तो आप पीसी मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सौंफ, या आधा चम्मच खाने का सोडा, नमक अपने स्वाद के अनुसार, मोहन के लिए ये 3-4 चम्मच तेल, हमें इस आटे को मिलाने के लिए हमने ये 1 कप दही, ये 4-5 हरी मिर्ची, ये 2-4 टुकड़े अदरक के, 2-4 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा धनिया पत्ती। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और फिर इससे हम आटे को गूंदेंगे। अब आधा चम्मच हल्दी। अब हमने ये दही और मिर्ची का जो लिक्विड तैयार कर लिया है, उसे हमें आटे को गूंद लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें गूंद लेना है, ना ज्यादा वो कड़ा ना ज्यादा हल्का, है ना। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। हम ऐसे लोई ले लेंगे। अब हम इसे गोल एक रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी ज्यादा मोटी भी नहीं और पतली भी नहीं, मीडियम। अब इसके ऊपर हम हल्का सा तेल तेल लगा देंगे, थोड़ा सा आटा फेरा दूंगी। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब कट करके हम इसे ऐसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसको रोल करके सबको रोल कर लिया, एक के ऊपर एक परत करके। अब इसे हम हल्के हाथों से ऐसे दबा लेंगे। ये हमने एक पैन में पानी ले लिया। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और हम उसमें सारे बाटियों को बॉईल करने डाल देंगे। अब देखिए, हमने इसे पानी में बॉईल अच्छे से कर लिया और हम निकाल लिए। अब हम इसे पैन में तेल डाल के ये देखिए, अब हम इसे हल्का हल्का ब्राउन होने तक सेक ले रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन होने देंगे। अब ये देखिए, हमारी बातें दोनों तरफ से अच्छे से सीख गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा दाल बाटी बनकर तैयार हो गया है। बनने में भी बहुत आसान, जल्दी बनने वाला। वो देखिए कितना अच्छा बना।
आप लोग भी जरूर बना के ट्राई कीजिए। पसंद आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं। धन्यवाद।